प्रत्येक सप्ताह में ग्राम कचहरी लगाकर दूसरों की फरियाद सुनने और उनके झगड़े को सुलझाने वाले सरपंच अब अपने ही अधिकारों की लड़ाई लड़ने को बेबस हैं। अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। बिहार सरकार द्वारा दिए गए वादों को धरातल लागू कराने के लिए सरपंच अब सरकार के दरवाजे खटखटाने को उतारू है। इसके लिए संघ गांधीगिरी रास्ता को अपनाने के लिए 5 अगस्त को मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से एक विश्वसनीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी सफलता को लेकर बघा एक प्रखंड के चौथारवा स्थित कोटमाई के स्थान परिसर में सरपंचों द्वारा बैठक आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता पटेलार की सरपंच प्रवेश अध्यक्ष लालमती देवी पति जगन्नाथ यादव प्रतिनिधि ने की। अधिकारों को पाने के लिए 5 अगस्त शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए जगन्नाथ यादव ने अपने संबोधन में सभी सरपंचों को एकता का पाठ पढ़ाते हुए निर्धारित समय को मुख्यालय पर उपस्थित होने के लिए आह्वान किया। मीटिंग में क्या व्यवस्था है, कौन कौन मांग लेकर आप बैठक कर रहे हैं? जी, 5 अगस्त 2022 को राज्यव्यापी धरना जिला मुख्यालय में करना है, जिसके लिए आज हम लोग प्रखंड बघा एक पश्चिमी चंपारण हम सभी लोग सरपंच बैठे हुए हैं कि सरकार 2006 से आज तक केवल वादा किया। हम लोग सुविधा कोई नहीं मिली, जिसके चलते अब हम लोगों ने राज्यव्यापी धरना तैयार कर दिए हैं कि हम लोगों को भी मजिस्ट्रेट की पावर दी जाए, विधायक एमपी की तरह स्वास्थ्य सुरक्षा पेंशन जनसंख्या के आधार पर मुहैया कराया जाए। हम लोगों को नोटिस तामिला हेतु चौकीदार मुहैया कराया जाए, भूमापक अमीन की व्यवस्था हो। हम लोगों ने 11 सूत्री मांग के लिए 5 अगस्त 2022 को राज्यव्यापी धरना के लिए एकता चट्टानी इकट्ठा करने के लिए आज हम लोग की मीटिंग बैठी हुई है। किस जगह बैठक हुई है? आज बैठक चौतरवा कोटमाई परिसर में हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जगन्नाथ यादव, पंचायत पतलार सरपंच प्रतिनिधि सह जिला अध्यक्ष पश्चिमी चंपारण सह प्रदेश उपाध्यक्ष सरपंच संघ बिहार। समर्थन में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा गद्दी, तेसरैया बथोरिया से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मैं अपने अध्यक्ष जी के पूरी बातों का पुरजोर समर्थन करता हूँ और वादा करता हूँ कि 5 अगस्त को जो मीटिंग होगी उसकी तैयारी में हम लोग पुरजोर व्यवस्था करके जाएंगे। जिला मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन? जी, जिला मुख्यालय। कौन कौन लोग जाएंगे? सरपंच प्रतिनिधि और उप सरपंच और बाकी सभी पंचगण मिल करके जाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन श्रवण कुमार यादव के साथ बघा 24 न्यूज। धन्यवाद।